रायसेन जिले के उदयपुरा वैक्सीनेशन सेंटर में इन दिनों वैक्सीन लगाने वालों की खासी भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि युवाओं में वैक्सीन लगवाने की जागरूकता दिखाई दे रही है। यही वजह है कि वैक्सीनेशन के लिए युवा 150 किलोमीटर की यात्रा भी तय करने को तैयार है। कोरोना वायरस ने ऐसा तांडव मचाया है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि समूचा देश त्राहिमाम कर रहा है। ऐसे में वैक्सीन भी कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा उपाय माना जा रहा है। इस वैक्सीन को प्रति व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर शासन और प्रशासन सजगता के साथ काम कर रहा है, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार जगह जगह वैक्सीनेशन के शिविर लगाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अधिक संख्या में आकर वैक्सीन लगवा लें। रायसेन जिले में वैक्सीन को लेकर लोग अलग ही तरह से जागरूक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 150 किलोमीटर की यात्रा करके भी लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं, क्योंकि शहर में इन्हें स्लॉट नहीं मिल रहा जी। सबसे पहला तो है कि उदयपुरा में स्लॉट अवेलेबल था, हम तो इसलिए आज की तारीख में जहाँ स्लॉट अवेलेबल है वहाँ तो हमने बुकिंग करा ली। डिस्टेंस से मतलब नहीं है, भोपाल में क्योंकि फुल हो गया था तो इसलिए हमने उदयपुरा मिला था, हम उदयपुरा आ गए। दरअसल रायसेन जिले की सभी तहसीलों के साथ साथ उदयपुरा में भी वैक्सीनेशन केंद्र बनवाया गया है, जहाँ पर इन दिनों भारी तादाद में भीड़ देखी जा रही है। वैक्सीनेशन के इस केंद्र में राजधानी भोपाल से तकरीबन 150 किलोमीटर की यात्रा करके लोग वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां भोपाल, बरेली, सिलवानी समेत कई जगह से टीका लगवाने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लोग पहुंचे हैं। भोपाल से उदयपुरा पहुंचे युवाओं ने बताया कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने स्लॉट बुक करने से पहले भोपाल का ऑप्शन देखा, लेकिन वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। वैक्सीन का उदयपुरा सेंटर मिला तो यहाँ आ गए। सिलवानी से वैक्सीन लगवाने उदयपुरा आए। शोभित रघुवंशी ने बताया कि सिलवानी वैक्सीनेशन सेंटर तक स्लॉट भर गया था, सबसे पास उदयपुरा था, इसलिए यहाँ आए। सिलवानी में सेंटर स्लॉट नहीं मिल पा रहे थे, जल्दी बुक हो जाते थे, तो सबसे पास यही था उदयपुरा, इसलिए यहाँ आना पड़ा। कितने लोग आया? हम लोग 4 लोग हैं। हम लोग सभी को वैक्सीन लगाई थी। और कोई परेशानी यहाँ पर? परेशानी तो कुछ नहीं हुई, एक परेशानी ये हुई क्या, जब हमने सेंटर बुक किया था तो वो एड्रेस हमारा बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल का आया था, और जब हमने वहाँ जाके देखा तो वो पूरा खाली डाला था, ना वहाँ बैनर लगा था कि यहाँ नहीं लग रहा है और ना कुछ लगा था, बस पूरा खाली डला था। तो फिर हमें पता चला, वहाँ अंदर गए, वहाँ कर्मचारी थे, उनसे पता चला कि कन्याशाला में लग रहा है, फिर हम आया उससे तय है और कुछ नहीं। वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगाने वाली ANM प्रतिभा शर्मा का कहना है कि उदयपुरा तहसील के 10 दिन से लोग टीका लगवाने आ गए हैं। भोपाल, बेगमगंज, सिलवानी, बरेली और देवरी तक के लोग टीका लगवाने आ रहे हैं। आज उदयपुरा तहसील के 10% लोग आए, अन्यथा और भी तहसीलों के लोग आए, यहाँ तक कि भोपाल से भी लोग आए हैं। उनको आकर यहाँ पर परेशानी हुई रजिस्ट्रेशन के बाद, उस समय के कारण उनने अपना यहाँ भोजन भी किया, विश्राम भी करे और वो यहाँ से टीका लगवा के चले गए। जैसे कि सिलवानी तहसील में बिगर्रा और जैतारी प्रतापगढ़ तक के लोग आए, बेगमगंज तहसील के भी आए, बरेली तहसील के भी आ रहे हैं और यहाँ देवरी से आ गए, जमुनिया वहाँ के भी लोग आ रहे हैं। दो गज की दूरी और वैक्सीन भी है जरूरी, कुछ इसी तर्ज पर देश को कोरोना से लड़ना होगा। कोरोना के तमाम गाइडलाइंस को अपनाइए और वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि आपने देखा वैक्सीन केंद्र पर जगह खाली देख 150 किलोमीटर दूर से भी लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। न्यूज 18 ऐसे जागरूक लोगों का सम्मान करता है, तो आप भी टीका जरूर लगवाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पूछेंगे सवाल तमाम मुद्दों पर और जवाब।